धन्यवाद सुचिता जी। पहली बात तो मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा, मैं अभी कवि नहीं हूँ और मैं अभी कविता वाचक हूँ। ये मेरी अपनी कविता नहीं है और शायद आप लोग को पता भी हो, कुछ लोगों को ये कविता लिखी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा। ये कविता उन्होंने लिखी थी जब वो इमरजेंसी के टाइम पे जेल में थे और उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तब उनको एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया गया था। उस टाइम पे वो हॉस्पिटल में थे और कई बार जब वो सुबह सो के उठते थे तो उनको बहुत सारे लोगों की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। और ऐसा होता था कि हॉस्पिटल में जिन पेशेंट्स की डेथ हो जाती थी उनको सुबह सुबह उनके प्रियजनों को पता चलता था, तो वो काफ़ी विलाप करते थे। तो जब मुझे ये कवि सम्मेलन का पता चला और मुझे पता चला कि ये दिवाली का मौका है, बट ये एक ऐसा वर्ष है जो कि अभूतपूर्व रहा है, हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे प्रियजनों को खोया है, तो मुझे ये कविता बहुत ही प्रासंगिक लगी। तो मैं यही कविता दूर कहीं कोई रोता है बोलना चाहूंगा। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है, तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी है केवल सुनो। बिछड़ गया क्या स्वजन किसी का, कंदन सदा करुण होता है, दूर कहीं कोई रोता है। जन्म दिवस पर हम इठलाते, क्यों ना मरण त्योहार मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का असुकुन होता है, दूर कहीं कोई रोता है। अंतर रोए आंख न रोए, अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है, दूर कहीं कोई रोता है। इस जीवन से मृत्यु भली है, आतंकित सब आतंकित जब गली गली है, मैं भी रोता आस पास जब कहीं कोई नहीं होता है, दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि दिवाली का बहुत ही अच्छा पर्व आ रहा है तो हम अच्छे से मनाएं, लेकिन हम ये भी एक छोटी सी कोशिश करें कि हम किसी और का दिवाली अच्छा कर सके। बहुत सारे लोग जो इस विपदा के कारण प्रभावित हुए हैं, हम अपनी तरफ से एक छोटी सी पहल कर सके ताकि उनके जीवन में जो भी हानियां हुई हैं उसकी थोड़ी बहुत भरपाई कर सके। और इसी संदेश के साथ मैं आप लोगों से प्रार्थना लेना चाहूंगा।